वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। पारिजाताय तूतवेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमले नमो नमः। आज कृष्ण बड़ा सुंदर बहुत श्रेष्ठ उसका आशय है कि हम जब सुनते हैं ना परमात्मा की बात तो सगुण की सुनते हैं तो सगुण का आकर्षण होता है वो अच्छी लगती, निर्गुण निराकार की अद्वैत की बात सुने तो वो भी अच्छी लगती है। अब इसमें राम कृष्ण शिव शक्ति सूर्य गणेश विष्णु इनमें अलग अलग सुन तो अलग अलग मन अच्छा लगता, उधर भी खिलता है वो भी अच्छी लगती, और अद्वैत के ज्ञान की वो बात भी अच्छी लगती है। और साधक की निष्ठा एक होनी चाहिए, एक निष्ठा से लाभ होता है वो लाभ जल्दी और होता नहीं, तो वो एक निष्ठा कैसे बनावे, अब क्या माने वो कैसे करे, ये दुविधा कैसे मिटे, इस भाव का प्रश्न है। महाराज विराज जी हो गए, आज का प्रश्न बहुत अच्छा है, तो अब ध्यान देकर सुने। मैंने जो इस विषय में सुना है समझा है पढ़ा है उसके अनुसार कहता हूं।
जब किया तो अच्छी बात न सोचो तो फिर शंका करें, कल फिर पूछ लें। अपने चित्त का समाधान जब तक न हो तब तक हार न माने कभी, क्योंकि पारमार्थिक मार्ग में हार के लिए स्थान है ही नहीं। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसमें अगर हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा तो क्या करेगा वो तो करना ही है खास बात। इस विषय में निराश हताश कभी नहीं होना चाहिए, पर दुख की बात यह है कि संसार की तो आशा रखते हैं और परमात्मा की तरफ से निराश रहते हैं, दो डबल नुकसान है। ये दोनों नुकसान, संसार की आशा किसी की पूरी नहीं हुई अभी तक इतिहास में। इतने जोर से कहता हूं, आप कल नाम ले आना कोई लिख लिख करके, किसी की कभी आशा पूरी नहीं हुई, संसार की आशा पूरी नहीं हुई, और होगी नहीं, और हो सकते नहीं, संभव ही नहीं। कारण क्या, ये तो है नित्य और सत्य अनित्य संसार, उससे इसकी आशा पूरी कैसे होगी। तो पहले से इस संसार से हमारी आशा पूरी होने वाली है ही नहीं, ये निश्चय कर लिया जाए तो सब मार्ग बड़े सुगम हो जाएंगे। तो संसार की आशा का तो त्याग करते नहीं, और परमात्मा की तरफ से निराश रहते हैं, हिम्मत हार देते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता के देखने से मालूम होता है, पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख और थोड़े से थोड़े समय में महान महापुरुष बन सकता है। तीन बार, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी आदि, और सब मूर्ख, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, जानता कुछ नहीं, ऐसा मूर्ख आदि, और थोड़े से थोड़े समय में उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। देखिए कहाँ आया है गीता में, आया है दसवां अध्याय में आया है कि मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमो माम उपयान्ति ते, उनको वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरे को प्राप्त हो जाए। तेषाम एव अनुकंपार्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए, अज्ञान जम तमा उनके अंतःकरण में अज्ञान जन जो अंधकार है वो दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ। तो उसको पढ़ाई क्या जरूरत है, सबसे बढ़िया पढ़ाई भगवान करा देंगे। प्रेम पूर्व भजन करते हो वो अज्ञान जन्य अंधकार मैं दूर कर देता हूँ, तो अपन से अपन भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अभी से सुदुराचारो भजते बाम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट ही क्यों न हो, अब लग जाए सच्चे हृदय से भगवान में तो रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सौवार ये की। अभी वर्तमान की बात का आदर करते और पुरानी बात को नहीं देखते भगवान। साधु रेवस्तम अंतव्य, दुराचारी से दुराचारी अनन्य भाव से भजन करता तो साधु मान लेना चाहिए। कहते मान लायक हो जाता है क्षिप्रम भव धर्मात्मा, क्यों ये क्षिप्रम बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता, और केवल धर्मात्मा नहीं शाश्वत शांति, शाश्वती शांति मिल जाती है जिस शांति का कभी नाश नहीं होता, ऐसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। किसको, दुराचारी से दुराचारी को। तीसरी, थोड़े से थोड़े समय के अंत काल से मामे अंत काल में भी मेरा स्मरण कर ले, ये तय है अप्यर्थ में है। अंत काल से मामे अंत काल में भी मेरे को याद कर ले तो मेरे को प्राप्त हो जाए, मैं संदेह नहीं। सब समय में स्मरण करो, उसे तो कहना क्या है, अंत काले च मामेव। अर्जुन का प्रश्न था प्रयाण काले से कथं जीरोसि नियतात्मनः, प्रयाण काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो बस मेरा स्मरण कर ले। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, तो थोड़े से थोड़े समय में पापी से पापी का और मूर्ख से मूर्ख का उद्धार हो सकता है।
इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति से किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को, भाई को, बहन को निराश कभी नहीं होना चाहिए। हम सब के सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अब जो ये बात पूछी कि वो आदमी क्या करे, तो उनके लिए बात बताता हूं, ध्यान दें आप लोग। खास करके और देवताओं को देखते हैं कि कौन सा स्वरूप ठीक है, शंकर स्वरूप ठीक है, विष्णु स्वरूप ठीक है, कौन से स्वरूप शक्ति की उपासना करें, सूर्य की करें, गणेश जी की करें, राम जी की, कृष्ण भगवान की, विष्णु की, किस रूप की उपासना करें, कौन से देवता ठीक है, ऐसे आदमियों की शंका रहती। और इन मार्गों में भी द्वैत मार्ग ठीक है, अधिक अद्भुत ठीक है, फिर विशिष्टा देव शुद्धा द्वैत देवता देव बहुत अड़ंगा, किस मार्ग में जावे। तो सबके लिए एक सार बात बताता हूं, उसकी सबके लिए बड़ी भारी आवश्यकता है। वो जो नाशवान पदार्थ है ना, उत्पत्ति विनाश वाले, इनकी तरफ जो आकर्षण है, ये ही खास बाधा है। जिनको हम जानते हैं कि ये उत्पन्न हुआ है नष्ट हो जाएगा, संयोग हुआ है और वियोग हो जाएगा, जन्म हुआ है मरना हो जाएगा, प्रारब्ध हुआ है इसका विनाश हो जाएगा, ऐसी जो चीजें है उनमें जो हमारा मन रमता है, आकर्षण होता है, इसके समान भयंकर व्याधि कोई नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात जिसमें भगवान ने दूसरे अध्याय 44वें श्लोक में दो बात बताई, 44 है ना, चार चार दो होती, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना महान अनर्थ का हेतु, एक तो रुपया पैसों का संग्रह और एक सुख भोग, ये दो से जितना अनर्थ होता है इतना किसी से ही नहीं हुआ है। सबका सब अनर्थ इसी से ही होता है जो संग्रह पर रुचि है और भोग भोगने पर रुचि है। ये मन में जब तक रहेगी तब तक पारमार्थिक मार्ग में चल सकता नहीं। जो सजात्मिका बुद्धि समाध हो न विधीयते, परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि उसकी हो ही नहीं सकती। और दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, थोड़े से थोड़े समय में उद्धार होता है, उसमें भी सम्यक दोषितो ही सब व्यवसाय बताया, निश्चय एक उसके भी नहीं हो सकता। और निश्चय एक नहीं होने जाने वाली दो चीज है, भगवद गीता की कही हुई बात है, फिर सुनो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नाम है रुपया पैसा आदि का संग्रह, बढ़िया तो मकान और रुपया हमारे पास में और मोटर और ऐसा रहेंगे और बढ़िया चीजें हो हमारे पास, मूल उसमें है पैसा, धन पास में हो, लोगों के भीतर में बैठी हुई है जड़ के, रुपया होने से ही हो जाएगा। और छोड़कर मरेंगे, छोड़कर मरेंगे, छोड़कर मरेंगे, अपनी उम्र में अपने कमाए हुए रुपये काम में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। है किसी की हिम्मत तो बता, अरे जन्म बिगड़ जाएगा, महान अनर्थ हो जाएगा, अरे छोड़कर मरोगे। और संग्रह न करने पर भी आपको रोटी कपड़ा रहने के मकान दीजिए, आपके निर्वाह की सामग्री जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और नहीं मिलने वाले तो लाखों करोड़ों रुपए होने पर भूखा मर के मर जाओ। संग्रह होने पर भी रोटी नहीं खा सकोगे, जल नहीं पी सकोगे, मर जाओ, सब कुछ होते हुए। और अब किंचित मात्र साथ नहीं चलेगा, और पाप किया हुआ किंचित मात्र पीछे रहेगा, वो सब का सब साथ चलेगा। रुपये तो यहां रखोगे तिजोरियों में, बैंकों में, और पाप रखा जाएगा भीतर मन में बुद्धि में, वो साथ जाएंगे और घर साथ जाएगा नहीं। इतने पर बुद्धि क्या मारी ये पता नहीं, संग्रह करने में झूठ गवड़ी परवाह नहीं, विश्वासघात की परवाह नहीं, पाप से पाप करने की परवाह नहीं, ये कर ले किसी तरह से हमारे पास रुपया रह जाएगा, बस जाएगा।
बसने का है नहीं, अब बस जाए तो आप बसोगे नहीं, दोनों बसने वाले नहीं, चाहे रुपये चले जाए चाहे आप चले जाए चाहे दोनों चले जाए, साथ रहने का है नहीं। इस वास्तविक शत्रु भाई है जो साथ चलने की पूंजी असली बना ले, भगवान का चिंतन नाम जप आदि जितना कर लो ये चीज साथ चलने की है, ये यहाँ रहने की नहीं। जैसे रुपयों के लिए कपट झूठ बाजी बेईमानी भीतर में जमा होती है, ऐसे भजन चिंतन सत्संग स्वाध्याय भगवत संबंधी बातें भीतर जमा होती है, भीतर ये साथ चलने की पूंजी असली और उसका मौका आया हुआ मानव शरीर में। इस वास्ते सबसे पहली बात है कि उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में जो आकर्षण है उनको जो चित्त से महत्व दिया है उनको बड़ी समझते हैं, ये अनर्थ की हेतु है, ये सार बात है। मेरे से अगर सम्मति पूछे तो मैं अपनी सम्मति देता हूं, ये मैंने खूब देखा है, मैं इधर बचपन से ही आ गया था और पढ़ाई भी की है संग भी किया है और संसार में घूमा भी हूं, सब तरह करके मैंने देखा पढ़ा है, और इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो कहता हूं कि ये असत वस्तु का जो हृदय में आदर है इसके समान घातक कोई चीज नहीं, महान घातक है, मन में महत्व है इन चीजों का, ये घातक, रुपये पैसे घातक नहीं, इतने पदार्थ घातक नहीं, परिवार घातक नहीं, और इनका जो महत्व है अंतःकरण में ये चीज बढ़िया है बड़ी सुंदर है सुखदायी है, ये महान घातक है, इतनी कोई घातक नहीं है चीज। आराम करूं, सुख भोग लूं, आराम ले लूं, संग्रह कर लूं, रुपया पास में रह जाए, महान अनर्थ का हेतु ये और रहेगा नहीं, बचेगा नहीं और रहने वाला जाएगा नहीं। महत्व बुद्धि करके केवल अपना पतन कर लो, इसके सिवा कुछ मिलना नहीं, कौड़ी एक अधिक मिलने के नहीं, और शरीर को सुख देने की भोग से भोग की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, शब्द स्वस्थ रूप रस गंध पदार्थों के सेवन करने की इच्छा, भोग की इच्छा, सुख की आराम की इच्छा, वृक्ष बनेगा वृक्ष, पहाड़ बढ़ेगा, वर्षों तक पड़ा रहेगा, आराम करता है ना भगवान, कील की तरह गाड़ देंगे, वृक्ष कटा देंगे, अब आराम करो बैठे बैठे, वर्षों तक पड़े रहोगे, शीत और घाम और सब ऊपर आएगा, बस वो काम करना नहीं है, बस बन जाओ भाई वृक्ष बन जाओ, ये योनि में ले अधोगत संति तामसा, ये तामस पुरुष अधोगति को जाए। तो ये आराम की इच्छा वाले, ये लोभ करके धन की इच्छा वाले, ये दोनों की बड़ी दुर्दशा होगी भाई। तो वास्तव में असत वस्तु है, उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु में जो आकर्षण है, प्रियता है और महत्व बुद्धि है अंतःकरण में, इसमें महत्व बुद्धि की बड़ी भारी चीज है, ये है बाधक, सबसे पहले इसको दूर करना चाहिए। उपासनाओं में अनन्य की बड़ी भारी महिमा, एक भगवान राम के सिवाय किसी को नहीं मानेंगे, एक कृष्ण के सिवाय मानेंगे नहीं, राम राम नहीं, जय श्री कृष्ण कहेंगे, राम राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे अनाश्रय हो जाए, एक आश्रय अनन्य है तो बड़ी बढ़िया बात, परंतु जब तक धन में आकर्षण है तब तक कितना ही आप परे रखो कुछ नहीं होने वाला। इसका अर्थ नहीं है कि भजन स्मरण करो उसका फल नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसा अर्थ ऊंधा मत समझना, जितना भजन स्मरण करते हैं जप करते हैं उतना लाभ जरूर होगा, परंतु अपना कल्याण हो जाए ये वहां खरका ही नहीं। जयराम जी, जब तक जड़ पदार्थों का आग्रह उसमें लोभ लगा हुआ, अरे भगवान राम कहने से तो अनाश्रय हो जाए और छोरा छोरी में आकर्षण उनसे अनाश्रय हुआ ही नहीं, रुपया पैसा अच्छा लगता है, मान बड़े अच्छी लगती है, उसमें नाश्रय नहीं हुआ, आश्रय जड़ का लिया भाइयों, जड़ का, उसकी अपेक्षा राम का आश्रय अच्छा है, शिव जी का आश्रय अच्छा, चेतन का, नाशवान का आश्रय,
शंका कर लेना, भूख से अभी नहीं, देरी हो जाए। अनन्य भाव है वो भगवान में होना चाहिए, अन्य भाव क्या है, जड़ का भाव नहीं होना चाहिए, जड़ का आश्रय नहीं होना चाहिए, जड़ का आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसका अंतकरण में महत्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अनन्यता ये होनी चाहिए साधक मात्र की, चाहे अद्वैत हो चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत सगुण निर्गुण साकार निराकार कृष्ण उपासना में प्रवृत्त हो, तो सबसे पहला इसके निराकरण की आवश्यकता है। अशुद्ध वस्तु में आकर्षण है तब तो भाई वर्तमान में सिद्धि नहीं मिलेगी, भजन श्रवण करेगा साधन करेगा और निर्थक नहीं जाएगा, उसका लाभ होगा बंद कितने जन्मों में होगा किसी कल्प में होगा पता नहीं, लाभ होगा परंतु तात्कालिक लाभ जब होगा जब नाशवान में आकर्षण ना हो, इसका महत्व अंतकरण में न हो, रुपये से हजारों लाखों आपके पास में हो परंतु हो मिले बता से आज सब चले जाए तो कुछ असर नहीं, लाखों करोड़ रुपया एक दिन में खत्म हो जाए तो परवा नहीं, परिवार दूसरों पचास और एक दिन में सब समाप्त हो जाए तो चित्त पर कोई असर नहीं, तो बिल्कुल आपको कोई बाधा नहीं रहेगा, चाहे रुपया हो चाहे कुटुंब हो, परंतु मन पर असर लगता है महाराज रुपये खर्च हो जाए, लाख रुपये इकट्ठे हो गए, अब लाख रुपयों में से खर्च हो जाए तो खनखनाहट होती, लड़के कहीं खर्च कर देते हैं और लाख रुपया में से पांच दस हजार मिले तो करे छोड़ा, मूल धन खर्च करो तुम्हारो मूल धन खर्च करते तो मूल के आग लगाओगे क्या करोगे, पूछा जाए उनसे मूल धन खर्च करना नहीं और जमा करना है तो मूल धन का क्या करोगे, बुरा लगता है जैसे कोई कर्जा लेकर खर्च करे, इस तरह से मूल धन खर्च करते मतलब कर्जा लेना पड़ा है, सिर पर कर्जा हो गया, अब पैसे किस तरह से आप रकम पूरी हो जाए, लाख रुपया पूरा रहे, बस किसी तरह से ये खर्च ना हो, क्या दशा होगी भगवान जाने रहे। अब दरिद्री में लखपति में क्या फर्क है, पास में धन नहीं है कर्जा लेना पड़ता, ऐसे लाख रुपया में से खर्च हो जाए तो कर्जे की मालूम हो, वो भी कर्जदार वो भी कर्जदार, अब पैसा लाख रुपया पूरा करे तब कहीं संतोष होगा, कर्जा उतर जाए तो निहाल हो, ये दशा है, ये धन के महत्व की अंतःकरण में उनका महत्व है, धन तो काम आता है संख्या काम नहीं आती, परंतु धन का खर्चा नहीं करेंगे संख्या बढ़ाएंगे, जिस किसी संस्था में संख्या ज्यादा हो जाए वो बड़ा, जिसके पास संख्या अधिक हो जाए वो आदमी बड़ा, अरे उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु से आप बड़े हो गए तो आप तो छोटे हो ही गए, ब्रह्मा जी ने आप छोटा कर दिया, आपको कोई बड़ा कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं क्योंकि आप अपने को छोटा बना लिया, धन होने से बड़े आदमी, धन नहीं होने छोटे आदमी, आप ध्यान दो आप छोटे हुए धन बड़ी छोटा हुआ, बड़ा धन हुआ आप हुए, धन जाने पर आप छोटे आदमी छोटी पार्टी है वो छोटी पार्टी होगी, धन से बड़ी पार्टी हो गई, तो बड़ा धन हुआ आपकी तो बेइज्जती हुई है, बेइज्जती मानते इज्जत इसमें, तो लाखों रुपये हमारे पास करोड़ रुपये हम बड़े आदमी हो गए, तुम तो करोड़ों के गुलाम हो गए, महान तुच्छ हो गए, और जो उल्टे समझ वाले वो समझा रहे कौन, उनकी समझ आई है कि धन होने से बड़े हो गए हम, तो पराधीन बड़े हो, बड़े कब होते हैं, हमारे मन में कौड़ी है कि गुलामी नहीं है, फिर बड़े हो गया धन से बड़े हो गए, अभी तो धन के गुलाम बने हो, धन के दास बने हो, बड़े कैसे हो गए, ऐसे किसी वस्तु से भी हमने वो बड़ा समझता है तो वो छोटा ही है, वो बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जिसके मन में किसी की गरज नहीं है, किसी की किंचित मात्र भी धन की संपत्ति की देवों की मान की बड़ाई की कोई विजय में गंध भी नहीं है, वो वास्तव में बड़ा है, बड़ा है उसके सामने भगवान झुक जाते हैं, भगवान वो वास्तव में बड़ा है, वो मन में चाहना नहीं, मन में गुलामी नहीं है, वो बड़ा है, चाहना विक्र करिए बड़ा कैसा धन की तो ही हो जाए चाहे वो बड़ा हो नहीं सकता, इस वास्ते नाशवान वस्तुओं का जो आकर्षण है वो एक थर्मामीटर लगाया है कि बढ़िया होने से ऊंचे हो जाएंगे,
इस चीज के ऊपर विचार करो, आप खूब गहरा विचार करो और प्रश्न उठे वो हमारे सामने लाओ, लिख करके दो। मैं तो अपनी सफाई दे दी कि मैंने इस पर विचार किया है, सोचा है, सुना है, पढ़ा है, हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं। इस बार से आपने पूछी तो मेरे पास ये खास बात है, धन को लेकर के है, वर्ण को लेकर के है, आश्रम को लेकर के है, विद्या बुद्धि को लेकर के है, योग्यता को लेकर के है, उनको लेकर तो अपने में बड़प्पन मानते हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के लिए बड़प्पन है कुछ नहीं। बड़े आश्रम में, बड़े वर्ण में हो गए तो, बड़े वर्ण में हो गए तो कर्तव्य की आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा आ गई। इसमें बड़े हो, जितने वर्ण में ऊंचा होगा उतनी उस पर शास्त्रीय जिम्मेवारी अधिक होगी, जितना आश्रम में ऊंचा होगा उतनी शास्त्रीय पालन करने की, नियमों के पालन करने की अधिक जिम्मेवारी होगी, और कल्याण वही होगा जो नीचे वर्ण वाला नीचे आश्रम वाला करेगा, जिम्मेवारी कम होगी, कल्याण जल्दी हो जाएगा। इसको लेकर अभिमान करते अपने में, हम बड़े हो गए, क्या बड़े हो गए, एडवांस बड़े हो गए, आश्चर्य की बात, कपड़े रंग में बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए, ऐसा व्याख्यान दे दिया, बहुत लोग आ गए तो बड़े हो गए, तो गुलाम हुए भी नहीं जनता के, वो आवे तो बड़े आदमी, वो नहीं आवे तो बस छोटे रो गए थे, क्योंकि आगे सुनने वाला कोई नहीं आया, क्या करे लोग, क्या करो, ऐसे हो तो पराधीन तो पराधीन सुनने सुनना, इसे तो ये समान कोई बल नहीं है, इसलिए समान कोई अधिकार नहीं है, दूसरा सब अधिकार रख दिए अपनापन के साथ, तो प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ऐसा हम कैसे माने। अरे भगवान कहते हैं सब में प्रिय, सब में उपजाए, सब में आप और हम आए कि नहीं बता, समोहम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र मेरे समान हो, मैं सब पर, तो प्राणी मात्र में तो आगे श्वास करते हैं, उसे वृक्ष लता दूब ये भी आ जाती है, पशु पक्षी मनुष्य सब आ जाते हैं, तो सब लोग ये कहते भगवान कहते मेरे प्यारे हैं, ये ही विश्वंभर देव जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं, सबको अपना मानते हैं, वो प्रभु हमारे हैं, और हमारे कैसे हैं, पूरे के पूरे हमारे, एक माँ के 10 बालक हो तो 10वें बालक माँ को अपनी माँ मान, मेरी माँ है, दूसरा कहते मेरी माँ है, उसमें ऐसा नहीं होता कि 10 बालक है तो 10वां हिस्सा माँ का इसका होगा, उसके 10 हिस्सा करना पड़ेगा ना, पूरी की पूरी माँ मेरी, 10ों की पूरी माँ। तो भगवान की भक्ति करने में ऐसा नहीं है कि जितने भगत है उतना हिस्सेवार भगवान अपने होंगे, पूरे के पुरुषा बुद्धि मेरे हैं, पूरा का पूरा अधिकार जमा लो भगवान अपने, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ये आप कृपा करके मान लो। सच्ची बात है, मैंने अच्छे अच्छे संतों से सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, और संतों ने ऐसी बात मानी है, जिन लोगों ने मानी है उनका बेड़ा पार हो गया। तो आप बोल राम को नाम जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की बात संत लोग कहते हैं, जो उनके प्यारे हुए कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य वचन अधीनता परतीय मात समान, इनमें ऐसे इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान, जमान इज्जतदार आदमी ली जाती है, राज में भी जमात बहुत कौन जमात ली जाएगी जिसकी इज्जत होगी, अरे की नहीं लेते जमानत, गोस्वामी जी महाराज की भी इज्जत है भगवान के दरबार में, तब कहते मेरी जमानत है सर, ये तो हिम्मत है किसी की कोई जमानत ले ले, गोस्वामी महाराज की बात चलती है भगवान के दरबार में, रघुनाथ हाथ सही है, विनय पत्रिका ऊपर सही करी भगवान ने खुद, उस वास्तव में कहते हैं सत्य वचन, भाई झूठ मत बोलो, कपट मत करो,
ये झूठ के समान कोई पाप नहीं। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय साथ है, ताके हृदय आप। सत्य स्वरूप है परमात्मा का। थोड़े से धन के लिए, थोड़ी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, थोड़े भय में आकर झूठ बोलकर नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो जी की कोचिक गुंजा। क्रोध से नहीं गति कर दो तो क्या पर्वत बन जाएगा? ऐसे एक असत्य के समान कोनो पाप की वो भी बनते नहीं है। इतना पाप असत्य का है, बड़ा भारी। अभी पता नहीं, बेहोशी में समय जा रहा। नहीं असत्य सम पाप को पूंजा, पापों का पूंजा पूंज ढेर का ढेर हो तो भी असत्य के समान नहीं। गिरी सम हो की कोटि गुंजा, और भी गुंजा सिर में ठीक कर ले जाए तो पर्वत नहीं बनता। ऐसे सब मिलकर के पाप असत्य के समान नहीं है। तो सच्ची सच्ची बात को नहीं कहनी हो तो मेरे कहना नहीं है, बताना नहीं है, बता दो फिर क्या। और अभियान का प्रभु के चरणों का शरण के और क्या, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। आंख मिलते ही सब खत्म हो जाता है, उसका क्या भरोसा। अभी एक सज्जन ने सुना कि जयपुर में घर के घर बह गए, और घरों का नाम निशान नहीं रहा, बह गए। बता क्यों था उसका नाम निशान नहीं। बड़ी बड़ी इधर है जी, बताओ गांव के गांव बह गए। तो वो बह गए तो आप हम क्या चीज है। पीढ़ी दीपी जी हस्ती है क्या, एक एक भाई बहन की क्या ताकत है तो वही थी बता। हम भी तो उसी तरह गई है, भगवान कितना दिन जिएंगे, कल जाए पता नहीं। उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। पलक मारते ही महाराज पल में तरले होगी, फिर बजेगा कब काल भजन का, आज होगा आज भजन का। अब पल में तरले होगी, फिर बजेगा कब। अभी से हे नाथ मैं आपका, केवल आप स्वीकार कर ले। भगवान की तरफ से तो संपूर्ण जीव स्वीकृत है। सब मम प्रिय स्तर विचार सब मेरे, तो हे नाथ मैं आपका हूं बस। और निश्चिंत हो जाए कि महाराज आप जाओ, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया उसके ऊपर जिम्मेवारी। आप तो उसे नाम का जप करते रहो, हे नाथ हे नाथ, और मन लगे कहते रहो, जो मन में आओ उसको कहते रहो। हे नाथ मन नहीं लगता, हे प्रभु मन नहीं लगता, कह दो इसमें क्या हो रहा था। और विश्वास रखो तो भगवान से कह दिया आपने, बस बच्चा जैसे माँ से कहकर निश्चिंत हो जाता है, ऐसे निश्चिंत हो जाओ। फिर कुछ बात आओ कह दी भगवान से, और कुछ बोला नहीं। भगवान ने प्रबंध किया कि नहीं किया, कि ठीक किया कि जो ठीक किया, क्यों पंचायत भी करे, वो जानते हैं उतना हम जानते हैं। वो जितना हमारा हित करते हैं उतना हमारे में जानने की ताकत नहीं। हमारी बुद्धि इतनी नहीं जो भगवान के किए हुए भले को हम समझ नहीं ले, उतनी भी ताकत नहीं। और वो कर लेते हैं, करते ही हैं। आज दिन तक हम कैसे जिए बताओ। आप लोग गृहस्थ हो तो आपके तो समझ में आता है, हमारे कुटुंब ने हमारे को दिया। मैं तो अकेला भटका हूं, टुकड़े पर जी रहा हूं। लोग मौज से क्यों गए अनुभव, बिल्कुल कोई नहीं। वहां भगवान ऋषिकेश की बात है, एक सज्जन ने पूछा कि भगवान का विश्वास कैसे हो, तो एक संत ने उत्तर दिया कि पास में कुछ भी मत रखो और यहां से पैदल करके तो चले जाओ, विश्वास हो जाएगा। कुछ भी पास में नहीं पैदल चलते, किस तरह से किस ढंग से महाराज रोटी देते, किस ढंग से स्थान देते, किस ढंग से करते हैं, वो दिखाते नहीं अपने को, और उस पर जीवों का प्रबंध करते करते क्यों का अनुभव है ऐसा, उसका भरोसा रखो। इसका अर्थ ये नहीं काम धंधा ना करे, घर में क्यों काम वाला उत्साह पूर्वक करे,
भगवान क्या करते हैं क्या नहीं इसकी पंचायत मत करो, अपना काम है ठीक तरह से करो, उससे आप उपयोग करो। भगवान के अर्पित हो गया, हम भगवान के, भगवान हमारे, उसका काम करते हैं। घर ये सब भगवान का है, आप हम नहीं जन्मे उस समय में भी ये बीकानेर शहर था, और आप और हम मर जाएंगे तो भी बीकानेर शहर रहेगा। इसका संचालन आप और हम नहीं कर रहे हैं, वो करने वाला ये करो कोई लाख करियो एक और है, वो सबका संचालन करता है, सबका पालन पोषण करता है, वो है ऐसे परमात्मा। ऐसे मान करके उसका नाम लेते रहो, वो राम को नाम जपो तो सबको बचो ना। आधी मा साथ बोलो झूठ बचो, नहीं तो झूठ का सहारा होगा, झूठ का सहारा, झूठ का सहारा झूठा, तो सच्चा कैसे होगा? और अधीनता भगवान के चरणों का शरण, हम तो भगवान के हैं, और पड़ती है माँ तो समान, पड़ती है माँ है माँ, माँ सभी बहनों को चाहिए, भ्राता पिता पुत्र भी जैसे कहा तो पति के सिवा छोटा है बेटा है समान है भाई और बड़ा है बाप है, ऐसे ही माताओं के प्रति साधुओं का ब्रह्मचारी तो माता भाव उड़ ही जाइए, गृहस्थियों के अपनी स्त्री है वो स्त्री है, इसके सिवा बड़ी है वो माँ है, समान है वो बहन है, छोटी वो कन्या है, तो पड़ती है माँ तो समान, बस सत्य वचन आधीनता पड़ती है माँ तो समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान जमात तुलसीदास महाराज की उनके ऊपर रख दो। भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, परंतु भक्त की भगवान प्रतिज्ञा विशेषता से रखते हैं। भगवान की खुद की भगवान को लाज नहीं है, और भक्त की लाज भगवान को बहुत विशेष लाज, वो रखेगा अपन नहीं रखे तो भगवान की लाज नहीं गई तो हमारी क्या बिगड़ता है बताओ, कौन सी हमारी इज्जत है, फिर हमारी चिंता किस बात की, उस बार को भरोसा नाम लिए जाओ बस, और कहते जाओ भगवान से मन नहीं लगता, आज बड़ा लगा थोड़ा याद आ गया, आज तो आपकी बात सुनने को मिल गई, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, और भगवान से भी मेरा देख दे कि महाराज ये दशा मेरे मन की, ऐसा कह दिया और नाम लिए जाओ। ये बहुत सरल साधन है, बहुत दामी साधन, और निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, भय की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं, शोक की जरूरत नहीं, शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे, कोई भी कहते तुम भूल में हो तो भाई इसमें हम भूल में नहीं, आप होंगे भूल में, हम भगवान के हैं, सब संसार भगवान के उसी के हम भी है। और कई संत हुए हैं, अगर हम भूल में आए तो हमारे साथ बहुत है, भगवान के चरणों के शरण बड़े बड़े महापुरुष हुए, तत्व के जीवन में बड़े बड़े वृत और त्यागी भगवान के हुए हैं, तो हमारी टोली बहुत बड़ी है, हम भी उसके भी, तो हम भगवान के हैं, ये पक्का आप विचार मन में सबसी बात है एकदम। मैंने इतना भी वो पढ़ा है, सुना है, सुनाया है, उसमें ये बात आई, ये बात फैल होने वाली नहीं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम कैसे हैं, जैसे हैं तैसे आपके, चोखो बुरो भलोर, बुरो चोखो बुरो भलोर, कुटिल और कामिल जो भी सुनते थारो, वो कैसे होगा तो तुम्हारा होगा, बच्चा कैसा ही हो वो माँ का है, एक जन्म माँ देती है एक शरीर, उस वक्त जितनी ममता माँ की होती है बालक की होती है, सदा से हमारी माँ तो वो माता पिता तो वे माता राम वो माँ है, सदा की माँ हमारी भगवान, उनके हम हैं, इस वास्ते मस्त रहो, चलते फिरते उठते ताड़ते ऐसे आनंद आना चाहिए, आज यहाँ से जावे तो सीख लेगा हमारी जो बात मिल गई, अरे क्या मिल गया, अगर क्या से अगर मिल गया क्या, मैं तो शंका होती, हमारे शंका है ही नहीं,
मोहयोगी हमको भगवान के भगवान हमारे हैं। ये संतों की महात्माओं की और भगवत गीता की बात है, ये आपकी और मेरी किसी व्यक्ति की नहीं है। सर्व भगवान परिजय माम एकम शरणम ब्रज, सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने कही अपने प्यारे अर्जुन को एकांत में। माम एकम शरण, एक भगवान के चरणों का आश्रय बस। तू चिंता मत कर। इसका अर्थ क्या है? हम चिंता न कर तो अर्जुन को कहा, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, नर है, नर और नारायण। उस वास्ते आप अब सब कह सकते हैं कि हम चिंता नहीं करेंगे महाराज, हम तो आप में इनकार भगवान कर नहीं सकते, ये ताकत नहीं भगवान ने, भगवान में ये जो आपका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, इनकार कर दे, हम तुम्हारे को नहीं ले, कहीं नहीं आया। और लड़े में तो सबके लिए खुल गई, परंतु नवे भर का प्रणय स्थिति विनाश किसी का नहीं हो सकता, पतन हो नहीं सकता। इस बात कर हो जाए तो फिर भगवान जी आपको भगवान जा रहे, अरे भाई ये बात सुनाई नहीं आपको, ध्यान दिया तो नहीं, अरे भगवान की इज्जत चली जाए तो अपनी इज्जत क्यों रखनी, कोई ज्यादा बड़े आदमी है भगवान कभी नहीं, ना कुछ लाजे और ना लाजे, ऐसा मेरा दिल जो है ऐसा भगवान के संत कहते, तो भगवान की बात कभी खाली जाती नहीं। उस तरह के स्मरण हो जाए और नाम का जप करते राम 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 राम, हर समय उठते बैठते चलते फिरते खाते हर समय भगवान के नाम का जप करते हैं। ये खास अभी नाम राम को कल्प करो, ये कल्प वृक्ष है, कितनी बढ़िया बात। कली कल्याण निवास, कलयुग में कल्याण रहता है, नाम में कल्याण रहता है। गोस्वामी जी कहते जो सुन रहे तो भयो भांगते तुलसी, तुलसीदास को भांग की तरह था, जो कोई संग करे नशा आ जाए उसको, ऐसा था, बावला हो गया, पागल हो गया, वो तुलसी हो गया, बिना तुलसी के ठाकुर जी के भोग भी नहीं लगता। क्या चीज थी, क्या हो गए, बिल्कुल भगवान के चरणों के शरण लेते ही वो जीव मामूली नहीं होता। एक बात सुनी संत जी, पुराने जमाने में सेकंड क्लास में बैठे थे वो, तो एयर सीट पर संत बैठे, उधर मुसलमान बैठा, तो वो समय आकर अपने कपड़ा बिछा करके बंदगी करने लगा, नमाज पढ़ता है तो संत खड़े हो गए, जब तक वो पढ़ता रहा तब तक वो खड़े रहे, वो जब बैठ गया तो संत भी बैठ गए। उस मुसलमान सज्जन ने पूछा कि आप खड़े क्यों हो गए, तो तुम क्या हुए, हम तो परमात्मा की परम दीवार की बंदगी में थे, उसकी हाजिरी भर रहे थे, प्रभु की हाजिरी में थे हम, तो जो संत बोले मैं तेरी हाजिरी में था। क्यों महाराज, कि जिस समय में प्राणी भगवान को याद करता है उस समय में वो प्राणी सामान्य आदमी नहीं होता है, भगवान के दरबार में है वो, उसके सम्मुख हुआ है। तो तुम जो भगवान को याद कर रहे, प्रभु को याद कर रहे थे, तो तुम्हारी हाजिरी में मैं था। सज्जनो, ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे और कोई धर्म वाला हो, यहूदी हो पारसी हो कोई ज्ञान हो, अपने प्रभु को जब याद करता है उस समय वो सामान्य जीव नहीं होता, वो प्रभु के साथ में उसका संबंध है। आज मामूली आदमी मिनिस्टर बन जाता है तो सब आदर करते हैं, अरे बड़े हुए मिनिस्टर का आदर करते हैं, वो तो प्रभु का था ही पहले से, अब विमुखता चोट सम्मुख हो गया तो वो तो है ही भगवान का। इस वास्ते प्रभु को याद करो, और प्रभु को याद करने वालों को याद करो, हो ये भगवान के भगत है, हमारे प्रभु के हैं ये, ये एक भाव बढ़, ये कृपा कर दो, बेड़ा पार है। इस बात चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंता है नहीं, चिंता दीन दयाल को
मो मन सदा आनंद। चिंता तो भगवान को दे दी, तुमने क्या लिया, हमें तो आनंद लिया है। भगवान के हमारे आपस में संधि हो गई, बंटवारा हो गया। क्या हुआ बंटवारा, तो चिंता दीन दयालु को, चिंता तो आपको दे दी और तुमने क्या लिया, हमने आनंद लिया मौज से। जो सज्जा को शरण लियो ताकि ताकि लाज उलटे जल मछली जलर बेहो जात गजराज। जोर से बाढ़ आ जाए नदी में तो हाथी बह जाए, पर छोटी सी मछली धारा गिरती हो तो धारा में गिर चल जाए। जल स्नान पानी नहीं बहा सकता और पानी को बाद में वो रहेगी कहां, बल से नहीं है, कृपा है, आश्रय है जल का, आप शरणा लिया। इस बात जो जाको शरणो लियो ताके ताके लाज, जाएगा लाज तिहारी ना तो मेरे का भी करेगा। गोगरी की गजेंद्र की बात आती है जगह जगह, वो कहती मेरे का भी करेगा, जाएगी लाज तिहारी। सूर्यदास जी महाराज अंत में कहते हैं कि सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, आपकी बच्ची द्रुपदा अगर उघाड़ी हो जाए तो आपको शर्म नहीं आएगी क्या, दुनिया कोई देखे ना देखे तो आप तो देखते हो, अब उसको शर्म नहीं देखो शर्म क्या बात। इस वास्ते भगवान के ऊपर तो निश्चिंत हो जाए, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अरे भाई पढ़ो जैसे क्यों नहीं लिख दे रहे, मना मुख राम कहे गए चौड़े राम धड़ी चौड़े परीर सब कोई खेलो आए दावा नहीं संत दास जीते से ले जाए, चाहे सो ले लो और भगवान का नाम लो और उस प्रभु के चरणों के शरण। तो सार बात और हर समय याद करते रहो, नाम लेते रहो और भूल जाए कोई बात हे नाथ पुकारो। बच्चा जैसे ना माँ माँ पुकार दो, बस एक ही इलाज है, कांटा कट जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, सबका इलाज एक माँ माँ माँ, बस ऐसे सबका इलाज एक प्रभु भगवान के नाम का जप कर देना और निश्चिंत रहे। नारायण 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 स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जुलाई 1981 को दोपहर 2:30 बजे पुष्कर स्टेडियम बीकानेर में हुआ। राम राम।